subscribe to Ada247 and press the bell icon to never miss another update. गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू Ada247। आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आज आपके जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले थे, हमने जो टॉपिक कवर किया था हार्डवेयर का, कंप्यूटर हार्डवेयर का, वही उसके क्वेश्चंस, उसके आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने हैं, राइट। उन पर हम बात करने वाले हैं आज। तो बच्चों, जल्दी से फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और सर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी देख सकें और आप भी वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस पर। बच्चों, आपने अगर लास्ट वीडियो मेरे नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिएगा। मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनवा दी है आरआरबी के नाम से। आप आरआरबी कीवर्ड से सर्च कर सकते हैं प्लेलिस्ट को, तो आप आकर के सारे बच्चे देख सकते हैं। उस पर आपको सारे क्वेश्चन और सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो हमारी प्रीवियस वीडियो हुई हैं, राइट। तो वो वीडियो देखेंगे आप तो उसका पूरा फायदा मिलेगा। हमने लास्ट क्लास में थ्योरी कवर की थी और अब हम बात करेंगे सर आपके क्वेश्चंस की, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि स्पेस दिया हुआ है इज एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन फिजिकली टच। तो सर ऑप्शन ए हार्डवेयर होगा, या ऑप्शन बी अ डिवाइस, ऑप्शन सी अ पेरिफेरल, या ऑप्शन फोर्थ आई एम एन एप्लीकेशन, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या आंसर आएगा आपका पहले का? ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या फोर्थ होगा? क्या आंसर आएगा आपका सर इसमें फर्स्ट का? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? तो यहां बच्चे मुझे आंसर दे रहे हैं ए हार्डवेयर होगा, और राइट आंसर हमारा सर ए हार्डवेयर इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कहता है आपका द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन द, तो सर इनपुट डिवाइस, या आउटपुट डिवाइस, या सिस्टम यूनिट, या फिर स्टोरेज कंपोनेंट, या फिर नन ऑफ दिस। तो बताइए क्या आंसर आएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का? आपके सामने है सेकंड, और पूछा गया है कंपोनेंट जो प्रोसेस के होते हैं वो कहाँ पर लोकेट होते हैं आपके कंप्यूटर ए में, होते हैं इनपुट डिवाइस में, या फिर आउटपुट डिवाइस में होते हैं, या फिर थर्ड सिस्टम यूनिट, या फिर फोर्थ स्टोरेज कंपोनेंट, या फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आंसर मेरे पास आ रहा है सेकंड का फोर्थ, कुछ बच्चे थर्ड भी दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, और रश्मि ने यहाँ पे सिस्टम यूनिट दिया है, काफ़ी बच्चे सचिन यादव टू दे रहे हैं आउटपुट डिवाइस, अच्छा सिस्टम यूनिट, और कृति इनपुट दे रही हैं यहाँ पर, वर्ड ही है हमारे सिस्टम यूनिट सेकेंड का फोर्थ, फोर्थ में क्या स्टोरेज कंपोनेंट, काफ़ी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। यही चीज़ समझानी है सर आपको, मेरे को यही चीज़ समझनी है आप लोगों को कि आपको सही और करेक्ट आंसर देकर चलना है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर पता क्या होगा? थर्ड सिस्टम यूनिट। जो बच्चे ने सिस्टम यूनिट आंसर दिया है वो सही दिया है, राइट। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? सिस्टम यूनिट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर्थ पर, थर्ड पर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। थर्ड का आंसर क्या होगा मुझे बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है और आपको आंसर देना है फटाफट से। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? यानी कि सर इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, मतलब कहने का क्वेश्चन ये है, स्कैनर है, बिल्कुल है, माउस भी है, कीबोर्ड भी है, प्रिंटर है, या नहीं है, या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा थर्ड का क्या हो जाएगा? फोर्थ, राइट।
प्रिंटर इज द राइट आंसर. आई वर्थ क्वेश्चन फोर्थ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस. इसमें से कौन सा डिवाइस इसके इनपुट है आपका? स्कैनर है, स्पीकर है, सीडी है, प्रिंटर है, कौन सा डिवाइस इनपुट है? आप देखो पहले पूछा था कि कौन सा डिवाइस इनपुट नहीं है, अब पूछा है कौन सा डिवाइस इनपुट है, या आपको आंसर देना है इसका. तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर बच्चों? फटाफट से आंसर दो मुझे. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके फोर्थ आपके सामने है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा फोर्थ का? यहाँ पर मेरे पास आंसर देना बच्चे. सर स्कैनर होगा. वेरी गुड, स्कैनर इज द राइट आंसर. ऑप्शन फोर क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट आंसर. आप जब बच्चों आंसर दे रहे हो ना, तो वहाँ पर नंबरिंग डालो, इस नंबर का आंसर ये है, और आगे वाले ऑप्शन न बताएं, केवल जो चल रहा है उसी क्वेश्चन का आंसर दें. फोर्थ, अब फिफ्थ का आंसर देना है आपको यहाँ पर. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस. एक्सपेक्ट यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, प्रिंटर्स, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव, या फिर नन ऑफ दिस. यार पूछा ये है कि सर इसमें से आपका कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है? तो भाई हार्ड डिस्क होता है, प्रिंटर नहीं होता, फ्लॉपी डिस्क होता है, सीडी ड्राइव होता है. तो आंसर क्या होगा फिफ्थ का आपका? आंसर प्रिंटर फोर्थ फिफ्थ का. ठीक है मोहित, हम लोग फोर्थ से आगे बढ़ चुके हैं. ठीक है आगे आंसर देंगे हम लोग. किस कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? प्रिंटर, प्रिंटर इज द राइट आंसर, यानी फिफ्थ का फोर्थ. ये आंसर सही दिया है. इसी तरह से आंसर आना चाहिए मेरे पास जो बच्चे दे रहे हैं. फिफ्थ का प्रिंटर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का प्रिंटर, ये आंसर जो दे रहे हैं बच्चे, ये सही तरीका है बिल्कुल देने का. राइट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिफ्थ सिक्स पर. द CPU एंड मेमोरी आर लोकेट ऑन द. CPU एंड मेमोरी सर कहाँ पर लोकेट होती है? एक्सपेंशन बोर्ड पर, मदरबोर्ड पर, स्टोरेज डिवाइस, या फिर आउटपुट डिवाइस, या नन ऑफ दिस. तो जल्दी से आंसर दें फटाफट सर. यहाँ पर सर आपका क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर देना है आपको कि सही आंसर क्या होगा आपके क्वेश्चन नंबर आपके सिक्स का. बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से क्वेश्चन समझना है फिर आंसर देना है. एक्सपेंशन बोर्ड, मदरबोर्ड होगा, स्टोरेज डिवाइस. मैंने सर आपको इनके बारे में बता दिया है कि कौन कौन सा डिवाइस क्या ऑप्शन है. तो यहाँ पर मेरे पास सिक्स का आंसर आगे गया है, हीना का मदरबोर्ड. फिर आपका NRCM आए हैं, ये मदरबोर्ड बता रहे हैं. राग सी मदरबोर्ड. कृति बता रही है स्टोरेज का, स्टोरेज ओके, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस. ठीक है रोहित बता रहे हैं मेरे को मदरबोर्ड, और प्रिया बता रही है मदरबोर्ड. रश्मि एक्सपेंशन बोर्ड बता रही है फर्स्ट ओके. साक्षी वर्मा बता रही है मेरे को थर्ड. थर्ड में क्या है? स्टोरेज डिवाइस. ओके देखते हैं सर राइट आंसर क्या होता है हमारे यहाँ पर. तो फटाफट से लगाइए राइट आंसर हमारे यहाँ पर सेकंड. मदरबोर्ड इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या है हमारा आंसर क्या है? मदरबोर्ड. मदरबोर्ड के अंदर आप देखोगे सर आपको तो सारे जो CPU है या जो आपकी रैम है वो आपकी कहाँ पर अटैच होती है? वो मदरबोर्ड पर अटैच होती है सर. 1GB 2GB जो रैम लगाते हैं वो कहाँ होती है? मदरबोर्ड पर. i3 i5 i7 या जो भी प्रोसेसर आप लगाते हो वो भी कहाँ लगा होता है? मदरबोर्ड पर. तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? मदरबोर्ड इज़ द राइट आंसर. ओके वेरी गुड बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर फॉर द फोर मेजर फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर. आपके इसमें से कौन से चार ऑप्शन सही हैं सर आपको बताना है. तो भाई प्रोसेस होगा, प्रोसेस इन आउटपुट इनपुट स्टोरेज, या इनपुट आउटपुट प्रोसेस स्टोरेज, या प्रोसेस स्टोरेज इनपुट आउटपुट, या इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, या नन ऑफ दिस. तो सर आपको याद होगा ये क्वेश्चन मैंने कराया था आप लोगों को, मुझे बताया पूरी उम्मीद है आप लोग सही आंसर दोगे आप यहाँ पर. तो बच्चों राइट आंसर देना आपको. सही आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर आपका सेवन का आंसर? जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट से. आई एम वेटिंग योर आंसर. 74 का आंसर आया मेरे पास यहाँ पर. बी सेवन का बी आया है. बी फोर्थ दिया कुछ बच्चों ने मेरे को यहाँ पर. फोर्थ शीतल हीना फोर्थ, एनसीआरएम फोर्थ, रोहित फोर्थ, प्रिया फोर्थ. वेरी गुड सोनम फोर्थ. अब फोर्थ में क्या है भाई? इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज. बिल्कुल सही आंसर है आपका. IPOS इज़ द राइट आंसर. सेवन का फोर्थ इज़ द राइट आंसर. वेरी गुड बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर आपका है एट. पूछा गया सर आपका यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑन विच डिवाइस मोस्ट लाइकली टू बी कनेक्टेड टू डैम. मतलब किस पोर्ट पर किस डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है उसको सर मैच करना है. यहाँ पर क्वेश्चन आपके साथ सामने एक है एट, लेकिन इसमें क्वेश्चन पाँच पे हुए हैं. पाँच क्वेश्चन हैं
अलग अलग पोर्ट पर आपका अलग डिवाइस कनेक्ट होता है, तो राइट आंसर देना है आपको भाई यहाँ पर कौन से पोर्ट पर कौन सा डिवाइस कनेक्ट होता है। तो मैच करना है सर आपको यहाँ पर, तो बड़े आसानी से और सिंपल तरीके से आंसर देना है, ठीक है। तो VGA पोर्ट सर हमारा किससे हो जाएगा भाई, मॉनिटर से, ध्यान रखिएगा। VGA पोर्ट किससे हो जाएगा, मॉनिटर से। पैरेलल पोर्ट किससे हो जाएगा आपका, प्रिंटर से, ठीक है। सीरियल पोर्ट आपका हो जाएगा मॉडेम, और ईथरनेट पोर्ट हो जाएगा आपका DSL, ठीक है। और USB पोर्ट क्या हो जाएगा, फ्लैश ड्राइव, यानी कि फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ, और फोर्थ का फिफ्थ, और फिफ्थ का फर्स्ट। ये आंसर लगाइए आप फटाफट से। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर लगाया है। यहाँ पे प्रिया ने भी लगाया है, शीतल बोल रहे हैं, तो यहाँ पे शालिनी ने भी लगाया है। वेरी गुड, अच्छा आंसर लगाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका, आपके सामने क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन कह रहा है सर आपका, स्पेस दिया हुआ है कौन सी की इज यूज टू कॉम्बिनेशन विद अदर की टू परफॉर्म शॉर्टकट एंड स्पेशल टास्क। यानी सर कौन सी की का यूज़ करते हैं हम लोग परफॉर्म करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क और परफॉर्म करने के लिए। ऑप्शन ए है आपके सामने, कंट्रोल प्लस ऑल्ट, या फंक्शन प्लस टॉगल, या डिलीट प्लस इंसर्ट, या कैप्स लॉक, नम लॉक। तो भाई 9th का यहाँ पे मेरे पास सबसे पहला आंसर दिया है मेरे को यहाँ पर थर्मराज ने, उसके बाद दिया है हिमांशु उपाध्याय जी ने, और उसके बाद मेरे पास असम, प्रिया, विक्की, काफ़ी बच्चों का मेरे पास आंसर फर्स्ट आ रहा है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट। और सर दोनों ही कैसी की हैं सर ये, कंट्रोल प्लस ऑल्ट, ऑल्ट मॉडिफायर कीज़ होती हैं, और मॉडिफायर कीज़ हमेशा क्या होती हैं सर, कॉम्बिनेशन होता है किसी अदर की का। कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, ऑल्ट प्लस F4, ऑल्ट प्लस F5, दीज ऑल आर द कॉम्बिनेशन से बनती हैं आपकी क्या, शॉर्टकट कीज। तो इसलिए हमारे क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये कंट्रोल प्लस ऑल्ट इज़ द राइट आंसर 9 का फर्स्ट। वेरी गुड, सही आंसर है। अब बच्चों बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी कि MICR स्टैंड फॉर माइकर का फुल फॉर्म पूछा गया है भाई। फुल फॉर्म बता दिया है मैंने, उसका यूज़ भी बताया था, राइट। तो यहाँ बच्चों को पता होगा इसका यूज़ क्या है और उसका टास्क क्या है। बच्चों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा, जो बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट हैं फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को, और अगर आपको पसंद आ रहा तो शेयर भी कर दीजिएगा, राइट। तो सर यहाँ पर हमारा फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर मेरा 10th का आंसर आया फोर्थ, फोर्थ, वेरी गुड, 10th का आंसर फोर्थ आ रहा है मेरे पास, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इज़ द राइट आंसर। और बिल्कुल सही आंसर भी है आपका, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपका सर यहाँ पर, डेजी व्हील प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स प्रिंटर, या इम्पैक्ट प्रिंटर, या लेजर प्रिंटर, या फिर आपका मैनुअल प्रिंटर, या नन ऑफ दिस। तो भाई यहाँ पर आपको आंसर देना है, क्या आंसर आएगा सही आपका। 11 का आंसर आपके सामने है, पूछा गया है कि डेजी व्हील प्रिंटर कौन सा है इसमें से। तो सब मैं बताया था प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। तो भाई फटाफट से आप आंसर दो जो मेरे को यहाँ पर, कि कौन से प्रिंटर आपके ऐसे हैं जो इम्पैक्ट में आते हैं, कौन से प्रिंटर ऐसे हैं जो नॉन इम्पैक्ट में आते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा फटाफट से देने की कोशिश करिए क्वेश्चन का आंसर। आज मुझे लगता है बच्चों फटाफट से 100 यहाँ पर वॉचिंग होती होके रहेगी जल्दी से जल्दी। मैं चाहता हूँ 100 से ऊपर वॉचिंग आपकी आज यहाँ पर हो जाए, राइट। तो भाई जल्दी से फटाफट वीडियो शेयर भी कर दो, तो जैसे ग्रुप में आपके मैसेज में डाल दो इस वीडियो को, तो उनके लिए भी भला होगा कि उनको क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सर आपके सामने क्वेश्चन है 12, 11। अब वो आंसर हमारा क्या होगा, वेरी गुड, सेकंड आंसर आया मेरे पास, सारे बच्चे सेकंड आंसर दे रहे हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी सर ऐसे प्रिंटर होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर जो पेज पर इम्पैक्ट डाल के क्या करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं। तो क्या कहलाएंगे सर आपके, इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें लेजी व्हील है, आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था, लाइन प्रिंटर है, ये सारे प्रिंटर किस में आते हैं हमारे, इम्पैक्ट में। नॉन इम्पैक्ट में कौन कौन से आ जाते हैं आपके, जैसे आपने देखा होगा लेजर प्रिंटर है, डेजी भी आपका इंकजेट है, थर्मल है, ये सारे प्रिंटर हमारे कैसे हैं सर, किस में आते हैं, वो नॉन इम्पैक्ट में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। यानी सर आपको पूछा गया है यहाँ पर कौन सा ऐसा इसमें से स्कैनर होता है जो डायरेक्टली आपकी इमेज को क्या करता है, स्कैनिंग करने में हेल्प करता है। तो OCR है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर,
या फिर आपका OMR या फिर MICR या फिर ऑल ऑफ दीस। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसका सही आंसर लगाना है और आपके सामने बताया सर हमें OCR का यूज़ किया है, OMR का यूज़ किया है और MICR का यूज़ किया है। ये सारे यूजेस आपको मैं लिखा चुका हूँ, आपको क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। तो भाई यहाँ पे हमारा आंसर ये आएगा, फटाफट से लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट, OCR इज द राइट आंसर, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइज। वेरी गुड, प्रिया मिश्रा ने सही आंसर दिया मेरे को और यहाँ पर बाकी बच्चे भी, यहाँ पर सारे बच्चे मोस्टली मुझे सही आंसर दे रहे हैं। कुछ बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट है, कुछ थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ उनको अभी थोड़ी और ज़रूरत है प्रॉपर क्लास अटेंड करने की और प्रैक्टिस करने की, तो उनके आंसर भी सही आने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं नंबर 13 पर, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाई, दो यार प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो उसको हम किस में मेजर करते हैं, तो आपको आंसर देना है इसका। तो मेरे पास यहाँ पर 13 का आंसर देना है, तो फर्स्ट आएगा या सेकेंड आएगा या थर्ड आएगा या फोर्थ आएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 13 का फर्स्ट आंसर होगा, ठीक है, टॉट पर इंच इज द राइट आंसर। अभी सर हमारी कंप्यूटर क्लासेस जो हैं वो तीन चार क्लासेस हुई हैं, ठीक है, जिसमें हमने फंडामेंटल और हार्डवेयर कवर किया है। तो आप चाहो तो अपनी हमारे 247 की जो प्ले लिस्ट है उस पर आकर के चेक कर सकते हो, आपको सारी क्लासेस के वीडियो मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, इन मोस्ट IBM PCs द CPU द डिवाइस ड्राइव्स मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन अ सिंगल बोर्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बोर्ड। ध्यान रखिए सर, आपके ये जो आपके पूछा गया है कि भाई मेमोरी है, एक्सपेंशन स्लॉट है, ये सारे आपके होते हैं, तो वो सारे का सारे माउंटेड होते हैं किस पर, सिंगल बोर्ड पर। उस बोर्ड का नाम क्या है, तो मदर बोर्ड है या ब्रेड बोर्ड है या फिर डॉटर बोर्ड है, ग्रैंड मदर बोर्ड है या फादर बोर्ड है, क्या आंसर आएगा भाई आपका यहाँ पर। तो सर क्वेश्चन आपके सामने है, आपको आंसर देना है सही आंसर क्या होगा। यहां पर आंसर शुरू हो गया है, तो ये राइट आंसर मैंने यहाँ पे होगा का मदरबोर्ड इज द राइट आंसर फर्स्ट। 14 का क्या होगा फर्स्ट, यहाँ पे मुझे काफ़ी बच्चों ने फर्स्ट लगाया है और काफ़ी बच्चों ने थर्ड भी लगाया है, तो थर्ड नहीं होगा, राइट क्या होगा फर्स्ट। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 पर, डिफरेंस डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड ऑफ अ PC प्रोसेसर यूनिट आर लिंक टुगेदर बाई सेट ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइन्स, व्हाट आर द दीज लाइन्स कॉल्ड। मैंने आपको कल ही बताया था, मदरबोर्ड पढ़ाया था कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट लाइनें बनी होती हैं मदरबोर्ड पर उन्हें हम क्या कहते हैं। तो बच्चों फटाफट से बताइए मुझे, जो आपकी मदरबोर्ड पर इलेक्ट्रिकल सर्किट लाइनें बनी होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कंडक्टर्स कहते हैं, बसेस कहते हैं या कनेक्टर्स कहते हैं या कनेक्टिविटी कहते हैं या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, अगर आपको एक वीडियो शो हो रहा है तो आपको बाकी वीडियो भी शो होने लगेंगी, मैं आज ही इसको बात कर लेता हूँ, ठीक है, अपनी टेक्निकल टीम से, तो आपको सारी रिकॉर्ड लिंक मिलेंगे आपको यहाँ पर बच्चे। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आंसर क्या होगा सर, यहाँ पे बसेस का आंसर दे रहे हैं मेरे को, बसेस कनेक्टर कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं सर यहाँ पे थर्ड होगा, थर्ड में क्या है कनेक्टर्स, ओके अंजन दास कनेक्टर बता रहे हैं, साधना कुमारी बसेस बता रही हैं, ठीक है देखते हैं सर यहाँ पे क्या आंसर आता है हमारा। तो राइट आंसर लिखिएगा 15 का सेकंड, बसेस, सेकंड का बसेस, ओके। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पर, विच प्रिंटर इज वेरी कॉमनली यूज फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, विच प्रिंटर इज कॉमनली यूज फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो सर इसका लेजर प्रिंटर होगा या इंकजेट प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या डिजिबल प्रिंटर।
तो भाई राइट आंसर क्या होगा, आपको यहाँ पर राइट आंसर देना है बच्चों, फटाफट से बताइए। तो सर यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा आपका, लिखाइए फटाफट से, लेजर प्रिंटर, 16 का फर्स्ट लेजर प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं 17, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर टर्मिनल विच गिव्स पेपर प्रिंट आउट, यानी कि जहाँ पे आपको प्रिंट आउट मिलता है पेपर का, उसका आपका आउटपुट क्या आएगा, उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी टर्मिनल कहते हैं, हार्ड कॉपी टर्मिनल, या डिस्प्ले स्क्रीन, या प्लॉटर, या नन ऑफ दीस। तो 17 का आंसर लगाइए फटाफट से, और 17 का राइट आंसर होगा सर हमारे यहाँ पे थर्ड, हार्ड कॉपी टर्मिनल इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं उस नंबर 18 पर, विच इज नॉट एन इन आउटपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है सर, तो प्रिंटर नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, या मॉडेम नहीं है, या मॉनिटर नहीं है, या फिर आपका नन ऑफ दिस नहीं है, कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये आंसर पूछा जा रहा है आपसे। तो जल्दी से आंसर दो फटाफट से मेरे बच्चों, क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पर। ध्यान रखना सर, कंप्यूटर आपके क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो बच्चे क्लासेस करेंगे जी और कंप्यूटर की, उनको पूरा पूरा फ़ायदा मिलेगा, ये गारंटी है सर आपसे मेरी, मेंस के पेपर में आपको पूरा पूरा फ़ायदा मिलने वाला है, ये समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर 19 का आंसर मेरे पास आना शुरू हो गया है, कीबोर्ड कीबोर्ड कीबोर्ड, वेरी गुड, राइट आंसर हमारा क्या है, कीबोर्ड है। ठीक है, 19 क्वेश्चन है आपका सर, विच वन ऑफ वर्क एज एन आउटपुट इनपुट डिवाइस, ऐसा सर इनसे कौन सा डिवाइस है जो एक ऐसा इनपुट और ऐसा आउटपुट काम करता है। देखो भाई ध्यान रखना बच्चों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से कि कौन सा डिवाइस आपका ऐसा है जो कि एज अ इनपुट और एज अ आउटपुट काम करते हैं, या बोथ की तरह होते हैं। तो भाई देखो यहाँ पर मॉडेम है, या फिर मॉनिटर है, या फिर स्कैनर है, या माउस है, कौन से ऐसा डिवाइस में से ऐसा है जो एज अ इनपुट की तरह भी और आउटपुट की तरह, दोनों की तरह काम करता है। 19 का फर्स्ट इसमें आ गया है मॉडेम, बता रहे हैं यहाँ पर मेरे को बच्चे, मीनाक्षी करिए थर्ड होगा, थर्ड में क्या है, स्कैनर, ओके, मॉडेम, तो सर ये आपका राइट आंसर बिल्कुल सही है आपका, 19 का फर्स्ट क्या होगा, मॉडेम होगा, और मॉडेम हमारा ऐसा डिवाइस होता है सर आपका जो एनालॉग सिग्नल को क्या करता है, इनपुट करता है, और डिजिटल सिग्नल आउटपुट करता है। ठीक है, ऐसे ही हमारी टच स्क्रीन होती है, टच स्क्रीन भी हमारी क्या है, बोथ है, ठीक है, इनपुट भी करती है और आउटपुट भी करती है, मोबाइल में जैसे देखा होगा, एटीएम मशीन देखी होंगी आपने, वो क्या है, बोथ है। ठीक है, या फिर आपका जैसे जीरोक्स की कॉपी होती है, आपकी फैक्स मशीन होती है, वो भी क्या है, बोथ होती है। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, या रीड ओनली मेमोरी, या बायोस, या फिर नन ऑफ दीस, क्या आंसर आएगा सर आपका यहाँ 20 का। तो सर यहाँ पर आप राइट आंसर लगाइए फटाफट से, 20 का बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है भाई, बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, द मेन सर्किट बोर्ड इन अ कंप्यूटर दैट कनेक्ट द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड, द मेन सर्किट इन द कंप्यूटर दैट कनेक्ट द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड, हार्ड ड्राइव, या मदरबोर्ड, या फादर बोर्ड, या मेन बोर्ड, या फिर नन ऑफ दीस। तो 21 का सर राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सर राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, 21 का सेकंड, मदरबोर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नंबर नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इज द फ्लॉपी डिस्क, सीडी ड्राइव, मॉनिटर, माइक्रो प्रोसेसर, नन ऑफ दीज। तो सर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या होगा, 22 का हो जाएगा फोर्थ, माइक्रो प्रोसेसर। 23rd,
द स्पेस दिया हुआ है इनेबल्स योर कंप्यूटर्स टू कनेक्ट टू अदर कंप्यूटर्स, तो वीडियो कार्ड, NIC कार्ड, साउंड कार्ड, कंट्रोलर कार्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा 23rd का सेकंड, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज़ द राइट आंसर। फटाफट से लगाइए आंसर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 24, और 24 में क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे, द स्पेस दिया हुआ है पोर्ट सेंड 1 bit एट अ वन टाइम एंड ऑफन यूज टू कनेक्ट मॉडेम टू द कंप्यूटर। तो सर यहाँ पे आपको आंसर देना है, सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का, USB पोर्ट या फिर पैरेलल पोर्ट या सीरियल या फायरवेयर। तो राइट आंसर देना आपको यहाँ पर, राइट आंसर क्या होगा, तो देखो भाई 1 bit एट अ वन टाइम ट्रांसफर होता है कहाँ पर, सीरियल पोर्ट में, और ग्रुप सबमिट कहाँ होती है डेटा ट्रांसफर आपका, पैरेलल पोर्ट में। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा 24 का सेकंड, राइट। आगे बढ़ते हैं उस नंबर नेक्स्ट, आंसर है आपका द डिलीट की, नम की एंड कैप्स लॉक की आर कंसिडर्ड स्पेस एज अ की बिकॉज देयर फंक्शन चेंजेस ईच टाइम यू प्रेस देम। तो ऑप्शन ए फंक्शंस, ऑप्शन बी टॉगल, ऑप्शन सी कर्सर कंट्रोल या फिर ऑप्शन डी टॉगल या फिर कंट्रोल। क्या आंसर आएगा सर आपका यहाँ पर, कौन सी की है आपकी, ये नम लॉक, कैप्स लॉक। तो 25 का आंसर यहाँ पे मेरे पास ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो देखते हैं बच्चे क्या आंसर लगा रहे हैं यहाँ पे आपका। तो राइट आंसर इज द बी, यानी कि डी आपका सेकंड ऑप्शन, टॉगल कीज, कैप्स लॉक, नम लॉक, ये हमारी क्या है, टॉगल कीज होती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, द टाइप ऑफ मॉनिटर दैट लुक्स लाइक अ ट्रेडिशनल टेलीविजन इज दैट इज कॉल्ड। तो सर टेलीविजन की तरह जो हमारा मॉनिटर होता था वो कौन से होते थे, डिस्प्ले या कैथोड या फिर CRT या LCD या फ्लैट पैनल। तो 26 का मेरे पास आंसर आ गया है थर्ड, यहाँ पे दे रहे हैं बच्चे 26 का यहाँ पर आंसर मेरे पास अभी टू आया है, टू दिया है मुझे यहाँ पर अंकित चतुर्वेदी ने, ठीक है। संजय का LCD आया है, देखते हैं भाई बच्चों यहाँ पे क्या आंसर आता है हमारा सही। 26 का लगाइए आंसर, CRT कैथोड रे ट्यूब इज द राइट आंसर, वेरी गुड। खुशबू वर्मा ने सही आंसर दिया है 26। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27, स्पेस दिया हुआ है लार्ज प्रिंटर यूज टू प्रोड्यूस ओवर साइज पिक्चर दैट रिक्वायर्ड प्रिसाइज कंटिन्यूस लाइन सच एज MPS एंड एग्रीकल्चरल प्लांट्स। तो सर डॉट मैट्रिक्स से होगा या थर्मल प्रिंटर से होगा या मल्टी फंक्शन प्रिंटर या प्लॉटर्स या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर लगाइए फटाफट से, आपका आएगा फोर्थ, 27 का लगाइए फोर्थ, थर्मल प्लॉटर आंसर आएगा, प्लॉटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पेस दिया हुआ है पोर्ट सेंड 1 bit एट वन टाइम इज ऑफन यूज टू मॉडेम टू कंप्यूटर। तो 28 का क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो सेकेंड हो जाएगा सीरियल पोर्ट, 28 का लगाइए सेकंड CL पोर्ट। 29, द स्पेस दिया हुआ है पोर्ट ट्रांसमिट डेटा इन अ ग्रुप्स ऑफ बिट्स इज फास्टर देन CL पोर्ट। तो सर कौन सा होगा आपका यहाँ पर, इथरनेट पोर्ट या पेरिफेरल पोर्ट या कनेक्टिविटी पोर्ट या फिर पैरेलल पोर्ट। तो सर ग्रुप्स ऑफ बिट जो ट्रांसफर होती हैं मैं आपको बताया था मैंने आपको, वो कहाँ होती हैं, पैरेलल पोर्ट में होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ, पैरेलल पोर्ट। 30, द मोस्ट कॉमन कीबोर्ड यूज द लेआउट डिवॉर्क न्यूमेरिक क्वालिटी अल्फा। तो 30 लगाइए थर्ड, न्यूमेरिक, सॉरी क्वालिटी, जो हमारा स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा है कीबोर्ड में कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं। 30 का लगाइए
क्वारिटी, QWERTY। राइट, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। लास्ट क्वेश्चन है आपका, और लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एक्शन इन मशीन साइक्लिक। तो डिकोड, फैच, एग्जीक्यूट, स्टोर, या फिर सेकंड सही है, या थर्ड सही है, या फोर्थ सही है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर भाई, आपको आंसर देना है आपको। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 31 का, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, या थर्ड होगा, या फोर्थ होगा। तो यहाँ पे आंसर है मेरे पास आया है, पहले फैच करता है, फिर उसको डिकोड करता है, देन एग्जीक्यूट एंड स्टोर, यानी सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। जो बच्चे सेकंड लगा रहे हैं उनका आंसर क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। तो सेकंड इसका क्या होगा, 31 का सेकंड, फैच, फिर डिकोड, देन एग्जीक्यूट एंड देन स्टोर। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए आपके सामने, आपको मैंने बताए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी अगर उसमें डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेरी है बच्चे की, तो सर पूछ लो फटाफट से, आराम से पूछ सकते हैं आप। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन हैं, यू कैन आस्क, यू आर फ्रीली टोटली आस्क टू एनी क्वेश्चन। वेरी गुड प्रिया मिश्रा, आपने 30 क्वेश्चन सही किए हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी बच्चे क्या स्कोर करते हैं देखते हैं, कितने बच्चों ने क्या स्कोर किया है। तो सर हमने पहले थ्योरी कवर की है, फिर हमने क्वेश्चन कवर किए हैं। राइट, अब हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट पार्ट पर, टॉपिक होगा हमारा वो किसका होगा, मेमोरी का होना है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी। खुशबू वर्मा, आपको लास्ट वीडियोस आपको सारे शो होने लगेंगे। ठीक है, आपको ऐसी वीडियो सर आरआरबी पीओ का, जितने बच्चों का पेपर है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आरआरबी पीओ के लिए, आप बिल्कुल भी यहाँ अड्डा 247 पर 2 बजे आकर के आप कंप्यूटर क्लास कर सकते हैं। प्लस मॉर्निंग टाइम में आपका जीए का सेक्शन चली रहा है। ठीक है, तो सर धीरे धीरे अभी से आप लोगों को मेंस की तैयारी करोगे तो सर सेलेक्शन होना है। और यार प्री की तैयारी तो मेंस में हो ही रही है, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो प्री तो हो ही रहा है ऑटोमेटिक उसलिए उसमें। ठीक है, तो ये मत सोचो कि पहले हम प्री करें फिर माध्यम में मेंस करेंगे, बस पढ़ते रहना है। ठीक है, और आपको ऐसे सेशन, ऐसे वीडियोस, ऐसे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको हम आपके साथ आप सिलेक्शन लाते रहेंगे, जिससे कि आप बच्चे, सारे बच्चे हमारे जो हैं प्रॉपर तरीके से एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए। 40 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, वो 40 से 40 आपके पास हों। ठीक है बच्चों, क्लियर आता, क्लियर है कोई, अगर डाउट है, कोई कमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम है, पूछ सकते हैं आप, मेल कर सकते हैं। ठीक है, जो ग्रुप बनाया हुआ है उस ग्रुप पर आप लोग ऐड हो सकते हैं, वहाँ से भी हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, सारे बच्चे मोस्टली वहाँ पर ऐड होंगे। ठीक है, जो ऐड नहीं है वो वहाँ पर ऐड हो सकता है। ठीक है, तो भाई बच्चों आपके लिए ये सारे जो टॉपिक्स हैं हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पर 2 बजे। ठीक है, टॉपिक रहेगा हमारा कंप्यूटर मेमोरी का, और पहले हम उसकी थ्योरी को समझेंगे और फिर उसके हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। एनआईसी एक्सप्लेन कर दो। ओके प्रिया, एनआईसी क्या होता है समझ लो जरा। एनआईसी इज अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मतलब विदाउट मदरबोर्ड पर ये चिप लगी होती, छोटी सी कहाँ लगी होती है, मदरबोर्ड पर। बिना इस मदरबोर्ड के, इस एनआईसी कार्ड के आप नेटवर्किंग नहीं कर सकते। रीज़न ये रहता है कि इस एनआईसी कार्ड पर आपका एक मैक एड्रेस होता है, जिसे हम लोग फिजिकल एड्रेस कहते हैं, या फिर जिसे हम लोग मैक एड्रेस कहते हैं, विच कंटेन 48 बिट, जो 48 बिट का होता है या 6 बाइट का होता है। विदाउट मैक एड्रेस आप
के सिस्टम पर डेटा नहीं पहुंचेगा, वो मैक एड्रेस ही होता है जो हर नेटवर्क में आपके सिस्टम को क्या करता है, कनेक्ट कराता है। तो आप क्या करोगे, एनएससी कार्ड क्या है, उस मैक एड्रेस को कंटेन रखता है, जो मैक एड्रेस है, जो फिजिकल एड्रेस है, वो कहाँ होता है, एनएससी कार्ड पर होता है, और इसी एनएससी कार्ड से नेटवर्किंग होती है। तो एनएससी कार्ड यूज़ फॉर नेटवर्किंग, विदाउट एनएससी कार्ड वी कांट यूज़ नेटवर्क, ठीक है। ग्रुप जो है बेटा, मेरा नंबर है आपको दे रखा है, उसमें आप लोगों को एक मैसेज करना है, बच्चों को पता है भाई, बाकी बच्चे जो यहाँ पे जो हैं कमेंट बॉक्स में एक उस ग्रुप का लिंक भेज दो, जिससे बाकी बच्चों को भी उसका लिंक मिल जाए, वो बच्चे ऐड हो जाएं। जो बच्चे उसमें ऐड हैं ग्रुप में, वो यहाँ पर लिंक सेंड कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उस लिंक को डाल दीजिए, जिससे कि आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। फिर अंजना देखो बता दें, सीरियल पोर्ट और आपका यूएसबी पोर्ट दोनों ही ऐसे पोर्ट हैं आपके जो हमारे डेटा ट्रांसफर सीरियली में करते हैं, लेकिन यूएसबी पोर्ट जो होता है फास्ट होता है सीरियली से, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारा डेटा टाइम का स्पीड जो होती है फास्ट होती है, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे कल 2 बजे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। For any feedback and suggestion, comment on the comment section below and we'll be there with the feedback. Thank you so much. Subscribe to Adda247 and press the bell icon to never miss another update.